खरगोन जिले के महेश्वर में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय और चोर नयन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खरगोन कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट के आदेश और सहायक आबकारी आयुक्त पराक्रम सिंह चंद्रावत के निर्देशन में आज बड़वा, सनावत और महेश्वर वृत्त के आबकारी दल ने विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की, जिसमें मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34A(क) के तहत एक और धारा 34(2) के तहत दो कुल 3 प्रकरण दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समस्त प्रकरण वृत्त के आबकारी उप निरीक्षक मोहन लाल भायल द्वारा दर्ज किए गए। उक्त की गई कार्यवाही में अलग अलग स्थानों से 127 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई। जब तक गुपशुदा मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 10,160 रुपये है। धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय खरगोन में न्यायिक अभिरक्षा हेतु पेश किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक मुकेश गौर और वृत्त महेश्वर बड़वा और सनावत के आबकारी मुख्य आरक्षक और आबकारी आरक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। महेश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट। आज ग्राम मंडलेश्वर और गांधीनगर और ग्राम आशापुर में कार्रवाई की गई है। ग्राम मंडलेश्वर में भोलू पिता हीरालाल पाटीदार भील जी, भोलू पिता हीरालाल भील के यहाँ से 55 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा जब्त की है। और गांधीनगर में प्रकाश यादव पिता किशोरीलाल यादव के घर से 60 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और दोनों को कल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, वहां से उनको न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाएगा। जी सर, इसके अलावा कार्रवाई और कहां का? और आशापुर में कार्रवाई की गई। वहां आशापुर में धर्मेंद्र जायसवाल के यहाँ से करीब 12 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई। चूंकि आरोपी का प्रकरण जमानती था, इसलिए उसको मौके पर गिरफ्तार कर जमानत दी गई। और आगे कहां कार्रवाई? इस प्रकार लगातार कार्रवाई की जाएगी। और जो जो भी अवैध मदिरा बनाने वाले हैं या बेचने वाले हैं या बड़े जो वो हैं, उन पर भी सर्चिंग जारी है। ठीक है सर, आपका शुभ नाम? मोहन लाल भायल, आबकारी उप निरीक्षक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।